परेशानी यही है भाई, कम कर रहे हैं, 12-12 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं, घर के बच्च कभी अखराजात पूरी होती है कहीं नहीं होती, तो दूसरा कोई घर जरूरत पै जाए तो आले दुआले वेखना पौंदा है, चार दिन पाँच दिन दस दिन कहीं आज कर लो सवेर लो आज लो सवेर लो इदा ही करद टाइम गुजर जाता है, कोई कपड़े नहीं घर दे आते तो आधे नहीं आधे पाने तो बच्चे नहीं बच्चे दे लें तो कोई अखराजात बस कि नहीं पूरी होती, ये हालात है जी, कुछ बनता ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣਾਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एशिया का तीसरा बड़ा ईंट बनाने वाला मुल्क है। हर साल 45 लाख से ज़्यादा ईंटें बनाई जाती हैं और पूरे मुल्क में 18,000 ईंटों के भट्टे हैं। इन 18,000 में से 7,966 सिर्फ पंजाब में मौजूद हैं। पाकिस्तान में कुल मजदूर 57 लाख हैं, जो कि दुनिया में इंसानी लेबर के हिसाब से 9वीं बड़ी तरीन तादाद है। इसमें से 43% ज़रात, 20% सनअत और 36% दूसरी सहूलतों से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 2.66% है और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा तरीन मुल्क है। इतनी बड़ी आबादी के रहने से लेकर खाने तक सब काम पाकिस्तान में मजदूर करते हैं, लेकिन क्या इनको यही हकूक हासिल हैं जो आपको हासिल हैं? क्या 3 टाइम का खाना इनको मिल रहा है और क्या इनके पास रहने के लिए छत है? जवाब आपको तब मिलेगा जब आप अपने ज़मीर को जगाएंगे और दूसरों के लिए वही सोचेंगे जो अपने लिए सोचते हैं।